हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मौनकला। देखिए, आज हम लोग साड़ी पे इस तरीके से पेंट करना सीखेंगे, किस तरीके से इसे आसानी से हम पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ भी करेंगे। देखिए, ये साड़ी के पल्लू पे काम हो रहा है। ये इस तरीके से फिगर को ड्रॉ करके, सिर्फ उसकी भी आउटलाइन की हुई कलर करके अब हम फिगर ड्रॉ करना बता रहे हैं कि किस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, बहुत ईजी मैथड है। ये मधुबनी का फिगर है, जो भारती दयाल जी मैडम है, उनका एक सिग्नेचर टाइप से है, इस तरीके से उनका है तो जो हम बना रहे हैं। और मुझे भी ये पैटर्न बहुत पसंद है, लेकिन मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। आप देखिए, इसमें खूब सुंदर तरीके से ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन होती है। मधुबनी का कोई भी फिगर लेंगे तो अगर आप उसे फैब्रिक पे कर रहे हैं तो सबसे पहले फैब्रिक के लिए जो चीज़ें होंगी आप तब तक देखिए किस तरह से स्केच कर रहे हैं। मैं फैब्रिक पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। सबसे पहले तो हमें जो भी फैब्रिक पे हम करेंगे उसका स्टार्च निकालना होता है। जब हम उसका स्टार्च निकाल लेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, पानी में डिप करके। और उसे ज़रूरी नहीं है कि आप सर्फ से ही धोएं, लेकिन पानी में डिप करके उसका सारा का सारा आप स्टार्च निकाल लीजिए। थोड़ी सी देर बाद उसे निकालेंगे, जब हम निचोड़ेंगे तो वो स्टार्च अपने आप निकल जाएगा। आप देखेंगे पानी में वाइट वाइट होगा, तो जब वो स्टार्च निकल जाएगा उसके बाद आप उसे सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप उसे आयरन कर लीजिए, जो भी फैब्रिक रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हैं। तो जब आप उसे आयरन करेंगे तो उसकी सारी सिलवटें हट जाएंगी। अब क्योंकि ये मैं पल्ले पर कर रही हूँ, बहुत बड़ा एरिया है, तो फिर हमें क्या करना है कि हम कोई फ्रेम को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इसको एक जगह पर आराम से टेबल पर बिछा देना है। टेबल पर बिछाने से पहले मैंने सबसे पहले एक टेबल पर मोटा सा चदरा बिछाया है, उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर डाले हैं और फिर मैंने साड़ी के पल्लू को बिछाया है। बिछाने के बाद मैंने उसमें आलपिन भी लगाई है ताकि वो मेरा हिले नहीं। आपके पास आलपिन, सेफ्टी पिन जो भी हो आप वो लगा सकते हैं, उससे हमारा काम जब भी हम ड्रॉ कर रहे हैं या कलर कर रहे हैं तो कुछ भी खिसकेगा नहीं और बिना सिलवट के हम अपने काम को कर सकते हैं। अब देखिए, लगभग इसमें स्केचिंग कंप्लीट हो गई है, तो स्केचिंग हम करने के बाद फिगर की कंप्लीट हो गई। अब मैं साइड के फ्लावर वगैरह ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि हाथ है, फ्लावर है, तो हाथ से फूल को पकड़े हुए वो ड्रॉ कर रहे हैं आराम से। और उसके बाद ब्रांचेज और टहनियाँ ड्रॉ कर रही हैं। हमें कपड़े पे पेन को प्रेशर से नहीं चलाना है। अगर आप पेन से नहीं चलाने में कंफर्टेबल हो तो आप पहले पेंसिल से बना लें, और या आप ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेस करने के लिए आप पहले पेपर पे ड्रॉ कर लें या फिर कोई प्रिंट आउट ले लें और उसको अपने कपड़े के नीचे ऊपर रखें और उसके ऊपर कपड़े के हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर कार्बन पेपर रखेंगे, फिर हम प्रिंटेड लेंगे डिज़ाइन अपनी या फिर ड्रॉ की हुई, और उसको हम ट्रेस करेंगे। अगर आप ट्रेस नहीं करना चाहते, मेरी तरह फ्री हैंड करना चाहते हैं, तो आप फ्री हैंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्किन कलर ले रही हूँ, और स्किन कलर मैंने फेस पर किया है, फेस और हाथ पे और नेक पे और कमर के एरिया में हम स्किन कलर करेंगे। अगर आपके पास स्किन कलर नहीं होगा तो आप ऑरेंज और वाइट, या रेड और वाइट और ऑरेंज मिलाकर, या येलो मिलाकर, जो भी टोन स्किन का चाहते हैं आप उससे स्किन कलर कर लेंगे, है ना। यहाँ पर मैंने फैब्रिक्रिल के एक्रेलिक कलर ना लेके फैब्रिक्रिल के फैब्रिक वाले सॉफ्ट कलर लिए हैं। हम चाहें तो हम फैब्रिक्रिल के एक्रेलिक कलर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब मार्केट में हम लोगों के पास ये सॉफ्ट कलर हैं तो हम लोग ये सॉफ्ट कलर ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई कलर सॉफ्ट में ना हो और आपको वो कलर करना हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको एक्रेलिक कलर को यूज़ नहीं कर सकते, आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो जो है वो हमारे यही कलर आते थे एक्रेलिक वाले, हम उन्हीं से सारा काम फैब्रिक का करते थे, है ना। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने अलग से सॉफ्ट वाले फैब्रिक कर दिए हैं, तो हम लोग सॉफ्ट वाले फैब्रिक कलर से कर रहे हैं यहाँ पे काम। थोड़ा सा ये जो है जब करते हैं हम, तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कलर होने के बाद। जैसे आप देखेंगे पहले कलर कर देते थे तो कलर करने के बाद वो उस जगह से फैब्रिक कड़ा कड़ा हो जाता था, इसमें ऐसा नहीं होता। इन कलर को करने पे वो जगह सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है।
अब मैंने स्किन कलर करने के बाद यहाँ पर ज्वेलरी को जहाँ जहाँ मुझे येलो कलर करना है मैंने वो येलो कलर लिया है और येलो कलर कर रही हूँ। अभी ये बेस का कलर हो रहा है तो उतनी फिनिशिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ बेस में कलर एक लेयर लगानी होती है। इसकी चुनरी का भी पार्ट कर रहे हैं। और मैंने ड्रॉ करते समय नीचे पेन से ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसे पेंसिल से कर सकते हैं या फिर टेलरिंग चौक होते हैं उससे भी कर सकते हैं अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं। और ट्रेसिंग का मेथड आपको मैंने बताई दिया। अब मैं इसकी चोली में पर्पल कलर कर रही हूँ। पर्पल भी मैंने फैब्रिक्रिल का ही एक्रेलिक कलर की जगह मैंने सॉफ्ट फैब्रिक कलर लिया हुआ है और फैब्रिक्रिल के अलावा भी और कंपनी के आते हैं, फैब्रिका के आते हैं, कैमल के आते हैं फैब्रिक कलर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नेचुरल डाई से करना चाहते हैं तो आप उनसे भी कलर कर सकते हैं। आपको नेचुरल डाई जो है वो लेनी होगी और उसको डाई तैयार करनी होगी पहले। वो पाउडर के फॉर्म में आते हैं कलर, उसे पानी में मिलाकर आप पहले कलर तैयार करेंगे और उसके बाद काम करेंगे। मैंने इस साड़ी में जो पल्लू का पार्ट है वो लिया है ये पैटर्न करने के लिए, क्योंकि पल्लू के पार्ट में दो तरीके का है। पल्लू का पार्ट देखिए, पल्लू के पार्ट में आधे भाग में जरी की लाइनिंग हो रही है जो आपको इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि नीचे अखबार बिछा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि मैं जो लहंगे के पार्ट पे कलर कर रही हूँ तो आपको उसमें कुछ स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होंगी। वो स्ट्रिप्स जो हैं इस फैब्रिक पे गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स हैं, इसमें गोल्डन कलर का जरी का बॉर्डर है और गोल्डन कलर की ही स्ट्रिप्स के पल्लू में दी हुई हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि जो नेक वाला एरिया है आप देख सकते हैं नेक वाले एरिया में थोड़ी सी लाइन आपको नीचे दिख रही है और अब आप देखिए इधर काफ़ी लाइंस आपको दिख रही हैं। तो वो ऐसे लिया है कि ड्रेस में सारी ड्रेस में वो स्ट्रिप्स आएँ लेकिन फेस पर स्ट्रिप्स ना आएँ। अब मैं फ्लावर कलर कर रही हूँ। फ्लावर बड़े बड़े पैटर्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं बैकग्राउंड में कर रही हूँ, तो वो फ्री हैंड है, इस तरीके से आप भी आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम पानी में कलर में पानी नहीं मिलाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा ये फैला फैला रहेगा। हाँ, उन पेंटिंग्स में हम मिलाएंगे पानी जिनमें हमें उनको फैला हुआ इफेक्ट देना होता है या फिर बहुत लाइट कलर करने होते हैं। यहाँ पर मैं क्योंकि मधुबनी पैटर्न कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरा ब्राइट ब्राइट ही कलर आए, और जहाँ पर अगर हमें अंदर फिलिंग करनी होगी बहुत ज़्यादा कलर चाहिए होगा तब हम केवल पानी मिलाएंगे, वो भी कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे। लेकिन जब हमारा आउटलाइनिंग वाला हो एरिया कर रहे हैं तब फिर मैं बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाऊंगी। अब मैं यहाँ पर जो मधुबनी में होता है थोड़ा सा वाइट दिखता है बैकग्राउंड का, तो मैं बैकग्राउंड का नहीं सॉरी जो भी हमारी डिज़ाइनिंग होती है उसमें जितना भी एरिया होता है हम थोड़ा सा उसे वाइट या बेस कलर में छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे हाईलाइट करने के लिए वाइट एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, क्योंकि वाइट एक्रेलिक सॉफ्ट वाला पर्ल कलर ले रही हूँ। आप भी फैब्रिक वाला सॉफ्ट कलर ले सकते हैं। नीचे ही ऐसे स्कर्ट एरिया में भी मैं देखिए इस तरीके से डॉट्स बना रही हूँ। एक डॉट बना के मैंने सर्कल बनाया, उसके बाद फ्लावर वाले रूप में मैं डॉट्स बना रही हूँ। आप ये डॉट डॉटिंग टूल से भी बना सकते हैं या फिर आप ब्रश के बैक से बना सकते हैं, और अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रश से ही बना सकते हैं। पूरे स्कर्ट एरिया में इस तरीके से डॉट्स के द्वारा हम इसमें कलर कर रहे हैं। देखिए इसको करने से और ज़्यादा निखर रहा है, ये एकदम इसकी ब्यूटी खिल के आ रही है। जितने भी इसमें आउटलाइन हो रही है वो हमने अभी ब्रश से किया, अभी मैं फिर करूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए जो फ्लावर है फ्लावर के भी पार्ट में मैं सारे में वाइट और ब्लैक से आउटलाइनिंग कर दे रही हूँ। वाइट से आउटलाइनिंग कर रही हूँ, ब्लैक से मैं कुछ जगहों पर फिगर्स में करूँगी, सब तरफ नहीं करूँगी। ऐसे ही लीफ में भी हम ब्लैक से आउटलाइनिंग करेंगे। आपके
आपके पास अगर कोई कलर नहीं होगा तो आप एक्रेलिक का कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कर रही हूँ। मेरे पास फैब्रिकल का सॉफ्ट वाला फैब्रिक कलर नहीं था तो मैं इसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ। अब देखिए ये डिटेलिंग कर रहे हैं, नेक पे जो डिज़ाइन हो रही है इसकी चोली में, तो उसको हम हाईलाइट करने के लिए ब्लैक ब्रश से, मैंने यहाँ पर 00 नंबर का ब्रश लिया है। आप 0 नंबर का, 00, 000, जिस भी ब्रश से कंफर्टेबल हो वो वाले ब्रश पे आप इस तरीके से डिटेलिंग वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर आईज पे मैंने स्किन कलर पहले पूरा किया हुआ था, उसके बाद जो आईज का पार्ट है उस पर मैंने पहले पूरा वाइट कर दिया और अब मैं आई बॉल पर ब्लैक कर रही हूँ। उसके ऊपर ब्लैक जब सूख जाएगा, हम पहले जब मेरा वाइट सूख गया तब मैंने ब्लैक किया, सबसे पहले तो मेरा जब स्किन सूखा तब मैंने वाइट किया आँखों पे, और जब वो वाइट सूख गया तब मैंने ब्लैक किया, और जब ये ब्लैक सूख जाएगा तब इसके ऊपर एक वाइट डॉट दूंगी। अब देखिए मैं इसके दुपट्टे में इस तरीके से स्पाइरल की डिज़ाइंस डाल रही हूँ, इसके बाद कुछ डॉट्स भी डालूंगी, छोटे बड़े अलग अलग तरीके के। आप जितना इसमें डिज़ाइन डालेंगे वाइट से उतनी ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। देखिए हर कलर पे ये वाइट कलर अच्छा लग रहा है, पर्पल पे भी अच्छा लग रहा है, पिंक पे भी अच्छा लग रहा है, एंड हमारे ग्रीन पे भी अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें इस तरीके से डिटेलिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है सर्कल बनाना, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो तो आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए रफ पेपर पर, उसके बाद करिएगा। ये देखिए ब्लैक मैं एक्रेलिक कलर से लीव्स की आउटलाइनिंग कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं कर रहे हैं हम, लीफ में लीव्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखा रहे, सिर्फ आउटलाइन करके एक लीव्स की मिड वेन बना दे रहे हैं। हम अगर कोई काम किसी चीज़ पे करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, कितना दिखेगा हमारा। जैसे ये साड़ी का पल्लू है तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस तरीके से किया हुआ है, अब आपको क्लोजअप दिखा दे रही हूँ। इसमें हमें मधुबनी है तो हमें शेडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, हमें शेडिंग वगैरह भी नहीं करनी होती है। अभी इसमें बैंगल का काम रह गया है, बैंगल भी हाथों में बैंगल ड्रॉ करना मैं भूल गई हूँ, वीडियो के बाद मैं डाल दूँगी, आप लोग मेरे पेज पर उसे देख सकते हैं। मैं बैंगल्स डिज़ाइन करूँगी, बैंगल का भी पैटर्न सेम वही होगा जो हमने उनकी ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन करने में किया हुआ है, और आप देख लीजिए पूरा किस तरीके से है ये हमारा, तो कलर्स भी आपको दिख रहे हैं पूरे पल्लू पर है। बीच बीच में हम बूटियों के तौर पर पूरी साड़ी में फ्लावर बना देंगे सिंपल, और उनके साथ कुछ लीव्स डाल देंगे बस, तो हमारा ये पूरी साड़ी का पल्लू तैयार हो जाएगा। आप इस पे की साड़ी दिख रही है आपको, किस तरीके की साड़ी है जिससे मैंने ये काम किया है, जिसके ऊपर आप इस तरीके का कोई भी बड़ा बड़ा पैटर्न लेंगे ड्रॉ करेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा, पहनने के बाद आपकी साड़ी में अलग ही एकदम गेटअप आएगा। अब रही बात कि हमने जो नीचे अखबार बिछाया था वो चिपक जाए तो हम उसे कैसे हटाएं, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं आलपिन निकाल ली है मैंने, आलपिन निकालने के बाद क्योंकि, और ये हमें बहुत ज़्यादा सूखने के बाद नहीं हटाना है, हल्का जब हमारा कलर होगा तभी हमें निकालना है। देखिए तब भी हमारा अखबार चिपक जाता है, अगर हम फ्रेम में करते हैं तो ये अखबार इस तरीके से नहीं चिपकेगा है ना, तो फिर हमारा नीचे कलर आएगा पर वो चिपकेगा नहीं किसी भी में। लेकिन क्योंकि हम बड़े एरिया में कर रहे थे, हमने नीचे अखबार बिछाया तो हमें उसे पूरा ड्राई होने से पहले ही हटा देना है, और ये कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। आप देखिए मैं एक एक आलपिन निकालती जा रही हूँ और उसके बाद इसको हटा दे रही हूँ, और उसके बाद फिर पलट के आप पीछे की साइड से जो भी इसमें न्यूज़पेपर है वो चाहे तो अभी या पूरा ड्राई हो जाने के बाद आप उसे छुटा सकते हैं, और वरना आपके जब फर्स्ट थोड़े बहुत अगर न्यूज़पेपर के पीसेस रह भी